साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सन 1958, यह है गोवा। हिंदुस्तान को तो सन 1947 में आजादी मिल गई थी, पर गोवा में 1961 तक पुर्तगीज राज था। यह है गोवा का एक शहर वास्को। और यह है अल्बर्टो वास्को, जो यहां के सबसे बड़े जमींदार थे, एक तरह से यहाँ के राजा। इसीलिए इस शहर का नाम ही वास्को पड़ गया और उनकी शान में उनका पुतला शहर के बीचों बीच लगाया गया। ऐसा सम्मान पहले कभी किसी को नहीं मिला था। उस दिन त्योहार जैसा माहौल था, शहर के सभी लोग जमा थे। सभी लोग बहुत खुश थे, उन्हें दिल से बधाई दे रहे थे, सिवाय एक औरत के। You bloody rascal! You filthy pig! Sewer! I hate you! I hate your guts! I'll kill you! क्या समझता है तुम? अरे तुम्हारा बॉडी में कीड़ा पड़ेगा, कीड़ा! You filthy pig! I'll kill you! और मरने का टाइम तुमको पानी भी मांगता है तो पानी भी नहीं मिलेगा। Rascal! You will never live! एरिया में नहीं जाने का, मैंने छोड़। देख लेगा तेरे को। लाड़ी बिच्छू। चल। ये अल्बर्टो वास्को का पुतला है, यहाँ का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड था। यहाँ की आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी उसी की थी, इसीलिए तो शहर का नाम वास्को पड़ गया। 20 साल पहले पुर्तगीज लोग जब गोवा छोड़कर गए तो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए और ये टेनेंट इन्होंने सब कुछ हड़प लिया।
लेकिन अपने लिए अच्छा है, समझे ना मल्होत्रा साहब? जैसी जगह चाहिए वैसी मिलेगी, क्योंकि असली मालिक तो कोई है नहीं। ड्राइवर गाड़ी रोको। चौधरी मुझे वो मकान चाहिए कंपनी गेस्ट हाउस के लिए। हाँ तो मिल जाएगा ना, जरूर मिल जाएगा सर। बिहारी रोको इन गुंडा लोग को, मेरा घर क्यों तोड़ रहा है? मैं जगह हड़पेगा तो क्या घर तेरा हो जाएगा है? तू टेनेंट है, यहाँ पे साइन करेगा तो 5,000 तेरे को और मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या ठीक है प्रकाश, मैं मिलता हूँ तेरे को दुकान पे। अंकल तेरा स्टूल। हे प्रकाश, ये गया उधर चोरी करने, वो ईगल लोग मारा इसको। इडियट साला। चल रहे माइकल। बिच्छू लोग को ईगल गैंग का एरिया में पाँव नहीं रखने का। तुम साला एक दर्जन गांवटी लोग 2 साल से इधर में आके घुस बैठा है, तभी से साला वास्को में लफड़ा शुरू हो गया है। हाँ, और इससे पहले तुम साला माका पालो इधर बॉल डांस करता था ना। दुक्कर, पिछला बार का मार भूल गया क्या? हाँ? फादर जेकब बीच में आया करके बच गया तू। याद है उस दिन मैं क्या बोला था कि मैदान का ये बाजू अपन लोग का और वो बाजू का टुकड़ा तुम लोग का। अभी वहीं पर जीने का, वहीं पर मरने का, वहीं का घर बिल्डिंग खाली कराने का, नहीं तो पांव तोड़ के तेरा हाथ में दे देंगे। हलवा है क्या? वास्को शहर क्या तेरे बाप का है? क्यों तेरा माँ ने तेरे को नहीं बताया क्या? जोश में बातें कर होश में, हम भी हैं जोश में बातें कर होश में, यू ना आंखें दिखा। सैलरो सैलरे क्या बोला फिर बोल रे, सैलरो ओ सैलरे क्या बोला फिर बोल रे। हम भी हैं जोश में बातें कर होश में, हम भी हैं जोश में बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा।
सैलरो सैलरे क्या बोला फिर बोल रे सैलरो सैलरे क्या बोला फिर बोल रे क्या साहब अपन तो भाई के साथ पंजा लड़ा रहा था। Shut up! अरे सर अपन बोल रहा था कि अपना मोबाइल पे इसको कलंगुट छोड़ेगा चलना ब्रदर। Shut up! हाँ साहब तो अपन ने बोला कि मैं तेरे को अपना मर्सिडीज टेम्पो में छोड़ता है क्यों चलता क्या बिड़ू इसीलिए तो अपन ने सोचा कि पंजा लड़ा के डिसाइड करेगा है ना ब्रदर देखा डिकोस्टा कभी साला प्यार करता है कभी साला झगड़ा करता है इन लोगों को तो हस्बैंड एंड वाइफ होना मांगता है क्यों शादी के नाम से बहुत हंसी आता है ना बिच्छू का शादी ईगल से किधर एक्सक्यूज मी मेरा प्यारा जेल में
इंस्पेक्टर, ये बच्चा लोग फिर से दंगा किया? बच्चा लोग फादर, ये बच्चा लोग पिछले हफ्ते 4 स्ट्रीट लाइट, सारा वेजिटेबल मार्केट और मिस्टर रोड्रिस का न्यू कार तोड़ दिया। बैड, वेरी बैड। इन लोगों को तो मैं जेल के अंदर भी हथकड़ी लगाकर रखेगा फादर। प्रकाश, मैक्स, काहे को झगड़ा करता है? एक दूसरे को अपना ताकत दिखाता है। आई नो तुम लोग यंग है, तुम्हारा अंदर जोश है, उससे एक दूसरे का हड्डी तोड़ने के बजाय अपने आप को कुछ बनाओ माय सन्स, ब्रदर्स जैसा रहो साथ साथ। मेरा बात याद रखना, लाइफ बहुत प्रेशियस है, ये टाइम एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। yes. मेरा बात याद रखना इंस्पेक्टर, इस बार छोड़ दो, नादान है, अगला बार ऐसा नहीं होगा। फादर आप गलती कर रहे हैं, ये लोग नादान नहीं है, डेंजरस हैं। फिर भी आपका वास्ते इनको छोड़ देता हूं। नेक्स्ट टाइम पेड़ से अगर पत्ता भी तोड़ा तो वॉच इट। यस सर। चलो हटो। ओके, अब तुम सब लोग इधर से जाओ, कम ऑन, अपना अपना काम पे लग जाओ। लेट्स गो गाइस, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो। यस फादर, कम हियर। तुम फिर मारपीट किया? अरे नहीं फादर, वो लोग लफड़ा चालू किए, साला कुत्रिया। I'm sorry father, पर वो लोग गुंडागर्दी करेगा तो अपन लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे। Max my son, violence begets violence. ये मारपीट करके कोई फायदा नहीं होने वाला। पर father वो लोग लफड़ा चालू किए, अपन लोग तो यहाँ पर। मैं संडे को तुमको चर्च में देखना मांगता है। ये संडे फादर? हर संडे। ओके। यस फादर। सबसे लास्ट आता है और सबसे पहले भाग जाता है ना? सॉरी फादर, वो सब मैक्स का गलती है, उसको उठाने में ही देर होता है फादर, अभी तक सोता है वो। हैप्पी बर्थडे शर्ली। ओह थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू। Hi, Shelly. Hi, Tony. Hi, Shelly. Hi, Alexey. What man? Alone today? Yep. वो Saturday को college में jam session है. तो? Coming ना? Kaiku. Kaiku? Bombay से Purple Riot band आया है. Solid band man. Bad luck. Oh my God. क्या हुआ? Just look at this man. Huh? Oof. Iska haath to dekh. Too much. Kya main tumhara haath par sakta hai? Yeah. Lifeline to terrific hai. Terrific hai. Aur ye love line to dekh. Heavy man. Oh no, now we are finished man. Love line to maine kabhi dekha hi nahi. Really? Very romantic, है? अच्छा उसका नाम क्या है? Feeling shy, हाँ? ठीक है, मैं बताता हूँ। उसका नाम शायद T से शुरू होता है, T for Tony. Yeah. साला कुत्रिया, मेरा हाथ पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पहले काई को बोला नहीं पड़ेगा। अगली बार साला मेरा सिस्टर के साथ फ्लर्ट किया ना तो ये हाथ ऐसा पड़ेगा कि तुम्हें रखना पड़ेगा। भैया जाओ। हीरो। ए मैक्सी, 12 बजे वाले हैं। लेट्स बी द स्ट्राइक, हाँ? ऑलराइट। 12 घंटे बजने से पहले घर पहुंचेगा। या। पन तुम सिर्फ काउंट है ना, टर्न लेफ्ट टर्न राइट नहीं बोलने का, ओके? या। लेट्स गो। गो।
प्रभावशाली। उसको छोड़, राइट टर्न मार तू। He's mad, he's completely cracked. Show off. पर तू बता कैसे चिल्लाया? अरे कौन चिल्लाया? मैं तो तू बोल ना। तू बोल। सॉरी इंस्पेक्टर, ब्रेक्स फेल हो गया था। पर नहीं पहुंचाना तू। शराब शराब ओके। मैं अभी जाके अपना बाइक का सर्विस कराता है। ए बाइक वाइक कुछ नहीं यार, सब तेरा गलती है। वो रोजान के लफड़े में तू पड़ा कहीं को? मैं बोला था ना राइट टर्न मारने को। साला आज का दिन ही कुछ ठीक नहीं है। अरे रबिश ठीक ही नहीं, स्पेशल भी है। क्या स्पेशल है आज का दिन? हैप्पी बर्थडे मैक्सी। आई एम सॉरी, मैं भूल गया। हैप्पी बर्थडे लिटिल सिस्टर। क्या लिटिल सिस्टर? एक ही दिन एक ही टाइम पे 15 सेकंड पहले मैं पैदा हुआ था। Okay, guys, party time! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. अच्छा लगा तेरे को? Wow! ये तूने खुद बनाया? Very nice. इसके वास्ते नहीं है। पन इसमें बेस्ट फिट यही चोता है। Hey, Vishali, happy birthday. मेरे लिए? Michael, thank you so much. Max को तुम्हारा बर्थडे याद रहे ना रहे, पर आप उनको हमेशा याद रहेगा। Hey, rascal, तेरे को याद इसलिए रहता है क्योंकि सेम दिन सेम टाइम पर मैं भी पैदा हुआ था। Excuse me. Toast to the twins. Yay! Thank you. Cheers. Party time, mom. Cheers, mom. Cheers, dad. पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, 1001. घर खाली कराने का तेरा फेस। 1 रुपया तू ही छिड़क। अरे वाह बिहारी, तेरा जवाब नहीं यार, बिल्कुल असली दिखता है। अच्छा ये ले, ये तेरे हिस्से के 10, 20 और 5, 25। साला सारा खर्चा पानी तोड़ पानी करे अपुन, और माल पानी ले जाइए साला बिहारी। मैं तो बोलता भाड़ में जाए बिहारी, अपुन अगर चौधरी से डायरेक्ट कांटेक्ट करे तो। आइडिया तो फिट है बाप, लेकिन साला ये सारा प्रॉपर्टी का नकली पेपर बिहारी बनाता है, अपना ये लिखा पढ़ी कौन करेगा? ए राहुल, ए छोटू मास्टर, मेरा भाई। अबे साले तू तो स्टाइलिश हो गया रे, बंबई जाके माफिक। पर तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा है। चल वास्को शहर वो साइड है, आ जा। हे माँ, नीचे आ, देख राहुल आ गया है। ए छोटू सामान निकाल, चल। ये तो क्या चकाचक दिखता है। फिर भाई किसका है? मैंने अपुन के लिए एक जबर प्लान सोचा है। मैंने भी। अच्छा पहले तू बता। मैंने फैसला किया है, हम सब बॉम्बे में रहेंगे। बॉम्बे? अरे यार लाइफ वहां है वहां, एक मिनट में आदमी की तकदीर बदल जाती है बॉम्बे में। अरे यहाँ क्या रखा है वास्को में? अच्छा बता, माँ बॉम्बे जाने के लिए राजी हो जाएगी? राहुल तुम्हें तो उल्लू बना दिया इन काफ्तान वालों ने, बम्बई बम्बई। अरे इसमें तो छेद है। हाँ तो दे दे राहुल को, लौटा देगा, वापस बॉम्बे जा रहा है। राहुल तो बम्बई जा रहा है? सिर्फ मैं नहीं माँ, हम सब बॉम्बे जा रहे हैं। वहाँ मैं एक बहुत बड़ा फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ।
देसी विदेशी हर स्टाइल का। एक मिस्टर शेट्टी हैं, पैसा उनका और मेहनत मेरी। देख माँ, तुझे मैं एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। मुझे कहीं नहीं पहुँचना, मैं यही रहूंगी। अरे माँ, लेकिन वहाँ तू जा ना बेटा, तू जा, कल ही चले जाना। नहीं माँ, अभी यहाँ एक महीने तक तो और हूँ ना। क्यों क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? जगह भी देख लिया है, सब कुछ तय कर लिया है, तू यहाँ आया ही क्यों? खत में लिख देता। प्रकाश, ये इसके सामान में बांध देना, इसे लौटा कर जो पैसे आएंगे ना वो बिजनेस में लगा देना। माँ, अभी बोलना जरूरी था, मैं समझा देता ना माँ को। देख अब नाराज हो गई। तो दो साल के बाद देखा उसने तेरे को, अभी तुझे आए हुए 5 घंटे नहीं हुए और तूने जाने की बात कर दी। अबे साले, तू देख तो सही वास्को, मैं तुझे गारंटी देता हूँ तू यही जम जाएगा। अभी तू आराम कर, मैं कल सुबह तुझे वास्को दिखाता हूँ। ओके ओके। इधर आ। सॉरी यार, लेट हो गया, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था। ये अपुन का भाई राहुल, छोटू मास्टर, बहुत पढ़ेला है, चेफ बन गया है, चेफ बोले तो अंग्रेजी बावर्ची। और ये अपुन के भेड़ू लोग, ये लफड़ू चंदू, ये गणपत, ये छोटू, ये वसंत, और ये अपुन का खास भेजा फ्राई गोटिया, और वो दो कच्चा लींबू देवन पेप्सी। हेलो, नमस्ते। हंसता क्या बे? चल राहुल का वास्को शहर देखा। यस बॉस। तो प्रकाश बिच्छू गैंग का बॉस है हाँ? अरे कुत्ता से लेकर बड़ा बड़ा आदमी लोग उनको सलाम मारते मालूम। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। अभी गया ना वो मारिया रोसा मकान, उधर जबरदस्ती घुसला किरायेदारों को खर्चा पानी दे के आउट करेगा उनका दारा, वो भी दे दरा दन दन। तो ये बिजनेस है बिच्छू गैंग का? यस, रियल एस्टेट। अभी थोड़ा टाइम में आपको भी सब सलाम करेंगे राहुल दादा। ए, मुझे दादा वादा कह के मत बुला। ओके, और मेरा गाइड बनकर घूमने की कोई जरूरत नहीं, मैं जगह खुद ही देख लूंगा। ये राहुल दादा, दादा राहुल दादा, दादा दादा, आगे नहीं जाने का। क्यों? अरे अपन बॉर्डरलैंड पे खड़े ला, बॉर्डरलैंड पे। कैसा बॉर्डर? मैदान का वो बाजू ईगल गैंग का एरिया है। ओ, ईगल गैंग। दादा ईगल गैंग, ईगल गैंग, ईगल गैंग बोले तो बिच्छू गैंग का जानी दुश्मन। दादा उनका एरिया का कोई लुक्का पाओ लोग अपुन का एरिया को नहीं आ सकता, और अपुन का एरिया का कोई छोकरा लोग उधर को नहीं जा सकता। सिंपल। गलती से भी नहीं। गलती से भी नहीं, पर जानबूझ के तो जा सकता है। हाँ चले। दादा 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 दादा। मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, काम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका,
चारों तरफ तेरी छैया रे, काम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। खुशबू चुरा के हे आई, फूलों के रस में नहा के लाई, भीनी सी खुशबू चुरा के, तेरी आंखों में है हल्का सा नशा, तेरा रूप मेरी नजरों में बसा, मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका, चारों तरफ तेरी छैया रे, काम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। The Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hi. मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन दिल चाहा तुमसे बात करूं। तुम इधर नया है? हाँ, फ्राइडे को ही आया हूँ। हाँ। मेरी फैमिली यहाँ 2 साल से है, लेकिन मैं बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा था। वैसे मैं गोवा पहली बार आया हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है। Really? Very charming. Mm-hmm. Actually, एक मिनट। मैं सोच रहा था कि अगर कोई मुझे टाउन दिखाएगा तो बहुत मजा आएगा। By the way, मेरा नाम क्या क्या देखा तुम वास्को में? मार्केट प्लेस, मैदान, उसके आगे बीच और पुराना फोर्ट और सेंट एंथनीज चर्च। और मैक्स देखा? मैक्स? वो क्या होता है? उसको तुम जरूर मिलना, वो तुमको सब बताएगा। रात में उजाला, दिन में तारे। आई लाइक हिम, तुमको भी बहुत पसंद आएगा। बाय। मैक्स, एक नंबर का कमीना है वो। एनीहाउ,
हम वो गुंडा मैक्स के बारे में बात क्यों करें? Like it? रोज, तुमको मालूम है हमने आज तुमको इधर क्यों बुलाया? हाँ, लंच के वास्ते। नो नो। तो फिर? वो क्या है ना रोज, बहुत दिनों से हम तुमको कुछ कहना मांगता है। जब भी हम तुमको देखता है ना, तो हमारे दिल से एक आवाज निकलती है। रास्कल। What? क्या बोला तू? तुमको नहीं, वो उधर। कोई भी तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। सॉरी सॉरी, फॉरगेट इट। रोज, तुमको पता है तुम्हारा डैडी मेरे को मिला था। कब? परसों। ब्रांडी खरीद रहा था। He's such a sweetheart, really, you know? 3 रुपए के लिए वो लड़ रहा था। मैंने उसको देखकर ही बोला, हरामखोर, इधर भी आ गया तुम। What did you say? नहीं नहीं, तुमको नहीं, तुमको नहीं बोला। मेरी डैडी को तो बोला। नहीं नहीं, तुम्हारी डैडी को भी नहीं बोला। वो क्या है ना, वो गुंडा मवाली लोग इधर भी आ गया। हेलो रोजैन। हाय मिस सावियो, मैं यहाँ पर बैठ जाए? नहीं, ये हमारा प्राइवेट लंच चल रहा है। ओके, थैंक यू मिस सावियो। ये तुम क्या ऑर्डर किया? लंग फंग चू चाओ। ये साला गली का ही को देता है। डिश का नाम है। तो ऐसा बोलना। अरे इसमें पड़ता क्या है? कॉकरोच। रोजैन, चाइनीज डिश है ना, तो कॉकरोच तो पड़ेगा ही। ऑलवेज। नहीं नहीं रोजैन, मैं तुमको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो, इसमें नूडल्स है, चिकन है, प्रॉन्स है, थोड़ा थोड़ा कैरेट है, कैप्सिकम है, मशरूम है, इसमें कॉकरोच बिल्कुल नहीं है। इसको खाते कैसे? दांत से चबा चबा के। और इसका टेस्ट कैसा होता है? तीखा। थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, मसालेदार ना। कितना डिलीशियस, अपीलिंग और ब्यूटीफुल लगता है। तो फिर ले जाके खा ले। साला मैं भी यही सोच रहा था। ओ नहीं, स्टॉप इट। ओ, मैं समझा तू रोजैन का बात कर रहा है, लेकिन मैं तेरा लंगफुंग नहीं कह सकता। और वैसे भी आजकल हम लोग डाइटिंग पर। हाँ, ये ले, तू खा। नहीं चाहिए। ए, खाना? नहीं चाहिए। ए, साला नाटक मत कर, खाना। सावियो, लेट्स गो। आई एम सॉरी रोजैन, हम लोग जाते हैं। ए सावियो, माय बेबी सावियो, तू खा। ओके, बाय सावियो। अगर तुम यहाँ नहीं होता ना, तो मैं उसको मार मार के काट पीट के मंचूरियन बना देता। हाँ, I know, अब तुम चुप से खाना खाओ। अरे मैं चुप से खाना कैसे खाऊं रोजैन? मैं तुमको एक खास बात बोलने को मांगता। क्या है ना, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉकरोच है। हुलिगन, मवाली, मैक्स, तुम काय को मेरे पीछे पड़ा है? तेरे को नहीं मालूम। So, Captain Max, रोजैन ने सावियो के सामने फिर से कचरा कर दिया तेरा। Bullshit, वो मेरे से बहुत प्यार करती है। पन क्या है ना, उसका फ्लर्ट करने का स्टाइल जरा अलग है। Yeah, that reminds me, मैं कल चर्च में बैठी थी और ये लड़का एकदम पास आके बैठ गया, फादर जेकब का नाक के नीचे। Can you believe it? और कहने लगा, पहली बार गोवा आया हूँ, कोई मेरे को वास्को टाउन घुमाए, ये वो। Just see the guts, yeah? कौन था वो? पता नहीं, डायरेक्ट लाइन मार रहा था। देख, अगली बार तेरे को दिखाई देना तो मेरे को बताना। 100%। Hey, stop that, Max. Hey, you talking to me? अरे वाह माँ, आलू के चिप्स इतने सारे? हाँ हाँ, 2 डिब्बे भर के दूंगी, ले जाना बम्बई और याद करना वहां माँ को। माँ, अगर मैं सारे के सारे चिप्स यहीं पे बैठ के खा लूं तो? मतलब माँ, मैंने फैसला किया है, मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा। सच? हाँ माँ, यहीं पे रहूंगा तुम्हारे पास, यहीं पे एक छोटी सी दुकान खोलूंगा। ये हुई ना बात, अब तो खुश है ना माँ? हाँ। और तो दुकान का टेंशन बिल्कुल मत लेना, अपुन कल ही फिट करता है छोटू मास्टर। अरे तेरा तो लॉटरी लग गया अंकल, तेरा दुकान खाली पड़े ना, वो मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा, वो अपन किराए पे लेता है, महीने का 500 देगा। चल अंकल, 600 दिया, पेंट वेंट मार के देगा, क्यों राहुल? 25,000 रुपया डिपॉजिट और महीने का 5,000 रुपया भाड़ा देने का, तो बात करो मैन। ताजमहल दे रहा है क्या भाड़े पे? ए, तू क्या विजय बोलता है? खुशी खुशी दे दे अंकल, नहीं तो। ये प्रकाश, मुझे बात करने दे। अभी तुमको क्या बोलने का?
अंकल मैं नया नया काम शुरू करने वाला हूँ, आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। देखिए अगर आप मुझे देखता है, सब देखता है मैं, उधर से अपन को ऐसे ऐसे करता है बुंडा मवाली। अबे बुढ़ाओ टेढ़ा समझा है क्या, तेरे खंडर में तो कबूतर भी अपना अंडा नहीं रखता है। ए शट अप यू मवाली एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। नहीं गया तो क्या करेगा साला हड़पू? ये प्रकाश साला इसका लैंडलॉर्ड मर गया तो जगह हड़प लिया, खुद तो किराया देता नहीं और आप उसे 5,000 रुपए मांगता है। मच्छी अबे टकले, अरे रिचा का मारू मैं, कहां जा मीडी को बुला, बेल बॉटम को बुला, आपका डरता तेरा मगा सोच बुला छोड़, देखता कौन आता साला तेरे साथ। मच्छी अंकल को छोड़। तो फिर क्या तेरे को पकड़ू? छोड़ वरना इधर ही काट डालेगा। प्रकाश प्रकाश छोड़ से, मैं कहता हूं छोड़ प्रकाश छोड़ से। थैंक यू मैक्सी। तू बीच में क्यों आया? वो मैक्स को तो अपन उधर ही काट डालता, अब उन डरता क्या उससे? मां ठीक कह रही थी, तू हाथ से निकल गया। अरे हाथ से तो दुकान निकल गई है। और क्या तेरी मारपीट से वो दुकान मिल जाती? और नहीं तो क्या, ये टेनेंट लोग को ऐसे ही सीधा करना पड़ता है। ये धंधे में तेरी जेंटलमैनगिरी चलेगी नहीं समझा? तो क्या चलेगी, बिच्छू गैंग की गुंडा कर दी। बॉल प्लीज। अरे ऐसा नहीं है यार, अपन बिजनेस को बिजनेस की तरह डील करता है, अपन खाली फकट कभी लफड़ा नहीं करता है, समझ में आया तेरे को? कल तुम शादी की बात करने आए थे और इतना डर गया। अरे तेरा भाई भी तो वैसे ही है, मुझे डर लगता है भाई। साला ईगल कुत्ता, साला ईगल अपने पीछे में हाथ डालता है, बस साला तेरे को छोड़ के छेड़ता है, साला बस साला। नहीं साला कुत्ता, साला ईगल कुत्ता, मार प्रकाश साले को। मुझे कुछ नहीं सुना तुमसे। प्रकाश भेजा अपन को, वो सॉरी बोला है। ए अब चुप काहे को है, सॉरी तो तुझे बोलना चाहिए, बिच्छू गैंग का नाक कटा डाला ईगल गैंग के सामने। देख भाई तू नया है, तेरे को नहीं मालूम कि यहाँ का क्या लफड़ा है। ए अच्छा हुआ वो पीटर को मारा, साला अपन होता ना तो खजूर का नल्ला पाई निकाल डालता था क्या। मैक्स की बहन शर्ली को कोई आंख भी उठा के देखता है ना तो वो उसकी आंख फोड़ डालता है। शर्ली मैक्स की बहन है? अबे जुड़वा जुड़वा बहन है। साला अपन के एरिया की लड़की को कोई घुमाएगा तो अपन छोड़ेगा क्या? देख प्रकाश बिच्छू गैंग का बॉस है बोल के अपन इधर आया, वो उधर खड़े लाए। जा मिल लो उससे। बॉस होगा तुम्हारे लिए, वो मेरा भाई है, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। आई रे आई। हाय रे तितली कहाँ उड़ रही है आजकल? आए हाय। अरे रे 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 मेरे झरने कभी इधर भी बरसा। आए हाय। एक नजर इधर भी तो मार ले। 1,000 भाड़ा और 0 डिपॉजिट, बगैर खर्चे पानी के भी काम हो सकता है। खाओ। मान गए रे बाप, तू तो सही चतुर निकला, ये ले लफड़ो। पर अपन को माफ किया कि नहीं? एक शर्त माफ करूंगा, अगर तू ये सब लफड़े छोड़ देगा और मेरे साथ मेरी नई दुकान खोलने में मदद करेगा। बस इतनी सी बात, तू अभी ले लेमन पेप्सी। यस बॉस। आज से तुम लोग राहुल के साथ। ओके बॉस। और तुम
अरे अपुन तो है ही, क्यों बड़े लोग करके देगा कि नहीं? तू बोला ना, सोच हो गया? हाँ, हो गया। Treehouse. अरे फैंसी नाम रखने से केक थोड़ी अच्छे बनते हैं। बिंदास अपन के एरिया में एंट्री मार रहा है। अबे हाँ रे, प्रकाश का भाई। चल 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 चल। व्हाट मैन, इधर ईगल बाजू आने को तुम बिच्छू लोग को वीजा नहीं मिलता है, मालूम नहीं तेरे को? ये जवाब देना। कमान कमान। लगता है रास्ता का साथ साथ जवाब भी भूल गया साला, ब्लडी बिच्छू। मुझे केक वहां पहुंचाना है, रास्ता छोड़ो। वरना क्या करेगा, मारेगा अपन को? हाँ तो दिखाना अपना कुछ बहादुरी का नमूना, गोरा गाउटी। ये साला कैप्टन कुक सिर्फ केक और पेस्ट्रीज का नमूना दिखाएगा, साला फट्टू। देख देख, अभी भागेगा डरपोक। डर के भाग जाने वाले डरपोक होते हैं, पर बिना वजह मारपीट करने वाले बहादुर नहीं, उल्लू के पट्टे होते हैं। क्या रे, हाँ? तेरे को ये केक अपना हाथ से वहां पर पहुंचाने का क्या? लेकिन साला अगर हाथ ही नहीं रहा था। चल अभी जल्दी करके बॉर्डर का वो बाजू निकल, वरना हाथ पैर यहाँ रहेगा, बाकी बॉडी वहां रहेगा। कैसा बॉर्डर? मुझे कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई देगा, अंदर होने से पहले तेरे को लास्ट चीज वो बॉर्डर ही दिखाई देगा। क्या ये अक्का दिन में एक ही बिस्किट बेचा क्या? सुन, इसको अपना नाक पर रख और इसको पुश करते करते वहां पर एक बॉर्डर लाइन बनाने का, ये उधर। अभी चल, ए चलना चलना बावर्ची बॉय, चल। ये किसी गरीब को देने के लिए रखा था। खैर, पांच पांच पैसे आपस में बांट लेना। साला कुत्तेगा। वाह, क्या कॉलर है, व्हाट अ कॉलर। नेम का साला निशान तक नहीं। क्या रे, इंपोर्टर 200 दुलाता है क्या? हाय, क्या हो रहा है मैक्स? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही जरा धुलाई का बात कर रहे थे। शर्ट का धुलाई या इसका धुलाई? क्या कह रहे थे लोग तेरे को? रास्ता दिखा रहे थे मुझे। तो फिर गलत था इनका रास्ता, मैं सही जा रहा था इंस्पेक्टर। अच्छा, ए जा अपना अपना काम करो, तू चल मेरे साथ, चल। ए अपना काम ही तो कर रहे थे, बीच में आके बिगाड़ दिया साला। चल रे, क्या स्कोर था? 9-10 मेरा नया गाड़ी कैसा लगा रोजैन? अच्छा है, पर तुम सामने देके चलाओ ना। ओह ये ओह रोजैन, मेरा बाइक भी नया है, तू मेरे को पिंच करना। सावियो लेट्स गो। चल फुट। धक्का लगाऊं क्या? Don't you dare! मेरा गाड़ी नया है
और चलता है तुम्हारा बैलगाड़ी से बहुत फास्ट. Impossible. Max, Savio तेरे को चैलेंज कर रहा है रे. हाँ Max, come on, show him. नहीं 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 यार, it's not fair. मेरा मोबाइल, इसका डब्बा, मैं लड़का और Savio. Oh yeah, I'll show you. Come on baby, show me, yeah. चलो, रेस लगाओ. Okay. Savio, जाने दो ना. अगर तुम रेस लगाएगा तो मैं उतर जाऊंगी. No. ये मेरे इज्जत का सवाल है जो मैं अभी लूटने वाला हूँ. Come on, come on. चलो. तेरे को बहुत मजा आता है ना सीधा साधा लोगों को फूल करने में. तू भी तो उसको फूल करती है. लव मेरे को करती है और घूमने को उसके साथ जाती. ओह शट अप, एक दिन गॉड तुमको बहुत पनिश करेगा. क्या हुआ? यू आर राइट, गॉड चींटी बनकर काटा. चुइंग. पनिशमेंट ओवर. ए अभी चलना, काय को इतना भाव खाती है. आई लव यू यार. तू ऐसा कितनी लड़कियों को बोला? हां सिर्फ तेरे को सैंड्रा. आई मीन सुजी. सिर्फ तेरे को रोजैन, मेरी लैला. अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला. अपुन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे. ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा. ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा. आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे. अपुन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला. अपुन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे. अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला. अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे. ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा. ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा. आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे. अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला. अपन जब भी सच्ची बोलता है ए उसको झूठी च लगता है यार. से भगाने को गया था उसको आधी रात को. ए सेटिंग हुई क्या? अपुन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला.
अपुन जब भी सच्ची बोलता है उसको हमेशा ही झूठ लगता है यार। तो वो था तुम्हारा ईगल भाई मैक्स, अच्छा नमूना है। तेरे को पसंद आया तो एक दिन उसके साथ बैठकर चाय काय को नहीं पीता तुम? हाँ तुम रोज साइकिल पे कॉलेज जाती हो? मोटरसाइकिल पर, मैक्स के साथ। तुम भी काय को नहीं आता अपन के साथ ट्रिपल सीट? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मैक्स से डरता हूँ? मैं मैक्स से क्यों डरूंगा, क्योंकि वो लेदर जैकेट पहनता है, कान में बाली पहनता है, सारा दिन बाइक पर घूमता है, अपने आप को यहाँ का दादा समझता है। वो बहादुर नहीं, बेवकूफ है। बच्चे डरते होंगे, मैं नहीं। वैसे तुम पढ़ते क्या हो? कॉमर्स, आर्ट्स, बिंगो। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मास्टर्स इन फूड डिजाइन। तुम मेरी दुकान पे क्यों नहीं आती? मैं कमाल के केक बनाता हूँ। आई विल मेक अ स्पेशल केक फॉर यू, टेल मी योर फेवरेट फ्लेवर। लेट मी गेस, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल। यस मैक्सी, मैं मैक्सी से काय को डरेगा? मैं तो ये, मैं तो वो। अगर तेरे को इतना हिम्मत है तो मेरे को मैक्सी के सामने मिलके दिखा। ठीक है, लगी शर्त। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा? शो, अगर तेरा थोपड़ा बचा तो। ओके। किस।
ये गोला वाला काला करता एक और एक खाने वाले मना आने की तजाए नका थैंक यू तो मैं जीत गया कब मिलेगा मुझे मेरा प्राइस तुम शॉपिंग करने में मेरी मदद करेगा ऑफ कोर्स तुम वल्ला कहेंगे दी मेरे को मानना पड़ेगा वो दिन तू कमाल कर दिया बहुत बहादुर है तू मैंने कहा था ना तीन मैं मैक्स से नहीं डरता पर मैं सच में डर गई थी जब मैक्स ने तेरे को देखा एक सेकंड के लिए तो मैं ओह गॉड मेरे को तो बहुत डर लगा तुम्हें डर लगा मेरे लिए यू ओके ना हाँ हाँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए डर लगा पता नहीं काय को मेरे को पहले कभी ऐसा नहीं लगा तो कैसा लगा आई डोंट नो इट वाज डिफरेंट यू डोंट माइंड ना मेरे को आज फ्रूट सैलड बनाने का है ना इसके लिए नो प्रॉब्लम तुम कह रही थी तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कैसा लगा तुम्हें हाँ वही तो ना शायद एक ली थी हाँ मेरे को ऐसा लगा जैसे 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 शैली मेरा घर आ गया और मेरा प्राइस तुम अंदर नहीं आएगा डोंट वरी मैक्सी नहीं है ऑफ कोर्स वाओ कितना ब्यूटीफुल हाउस है थैंक यू अब मैं तुमको तेरा प्राइस देगा अब ये सिर्फ प्राइस नहीं इससे कई ज्यादा है ये सबूत है कि तुम मुझसे प्यार करती हो That's your prize. Cheaters का यही प्राइज होता है मास पहन के तो कोई भी बैट जीत सकता था सॉरी तुम हार गया एनीवेज थैंक्स कि तुम इतना फ्रूट्स उठा लाया मेरे लिए ए किधर जाता है हा मैक्सी आने को है अच्छा लगता है तेरे को उसका मार खाने का है नहीं मुझे उसे खिलाने का है क्या फ्रूट सैलेड वो तेरा फ्रूट सैलेड बनाएगा रोमियो और तेरे को बड़ा मजा आएगा बहुत मजा आएगा तो मजा लेना नींबू है नहीं फर्स्ट एड बॉक्स है मांगता है क्या वो तेरा हड्डी तोड़ेगा ना तो मालूम पड़ेगा मेरे को मत बताना फिर नहीं बताएगा वंडरफुल बोला हाहा ये मैं बोला मैक्सी आ गया आह दैट्स ग्रेट दैट्स सो एक्साइटिंग कम ऑन राहुल क्या क्या
मेरा बाइक। बाइक? हाँ, अभी अभी पेंट कराया है, चकाचक। ओह, पेंट! वाव! यस, वाव! चेक आउट द बेबी। ब्यूटी लगती है रे। माइकल पेंट किया क्या? चल तेरे को राइड पे लेके चलता है, लेट्स गो। अभी ना का मैक्सी। अभी ना का क्या? चल ना। बहुत काम है मैक्सी। अरे काम को छोड़ना छोड़। मैक्सी मेरे को नहीं आने का है। नहीं आने का है? Come on, Maxie. Don't get upset. नाराज आए ना का मैक्सी। मैक्सी, मैं कल आएगा ना तेरे साथ, हाँ? फ्रूट सैलेड मैं बनाया स्पेशली तेरे लिए, अच्छा लगा? हाँ? सिली। ये क्या आवाज आया? आवाज? नहीं। आया रे, किधर से? इधर बाहर से। उधर से आया। मैगी करे। हे मैगी, कौन तेरे को अंदर बन गया? चली नहीं क्या? Come here, come with me, let's go. ए, तेरे को नहीं आने का है ना? मैं मैगी को लेकर जाता है। Come on, let's go. मैक्स आएगा तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। शॉली केक। क्या अंकल, पेस्ट्री में आज कुछ दम नहीं है। अरे तो फिर सामने वाली दुकान में जाओ ना, इधर काहे को आता है? अंकल आंटी किसे? ये ट्रीट हाउस जाना भाई, ट्रीट हाउस, इस बासी दुकान में नहीं। चल भाई जल्दी कर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है आज से, कॉन्ट्रैक्ट अपुन को ही मिलेगा। क्यों गोटिया? एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ऊपर से ताना मारता है। अरे हुआ क्या अंकल? अरे हमको सब मालूम, वो सारा आरामी प्रकाश का ही चाल है। गोवा लिबरेशन डे का कॉन्ट्रैक्ट डरा धमका के ले लिया, अब हम तो उसकी तरह डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता ना। तुम आवाज तो करो ना अंकल, हम साले का टांग तोड़ के तुम्हारी शॉप में लटका देंगे। अरे उसका टांग काम क्या करेगा, हमको तो कॉन्ट्रैक्ट मांगता है, हम तो गॉड फियरिंग आदमी है भाई, फैमिली मैन। व्हाट? कल अपन का टेम्पो लेके आऊं? नहीं, मिस्टर मैस्करीनस ऑर्डर खुद ही पिकअप करेंगे। और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, तुम चलो मैं आता हूँ। चल बड़े लोग। मुझे एक स्पेशल ऑर्डर देने का है। इट्स अ रेनबो केक जिसमें 7 रंग होने को चाहिए। लाल, नीला, गुलाबी, हरा, काला, सफेद, पीला नहीं होने को चाहिए। नहीं होने को चाहिए। मैजेंटा, बर्गंडी, ऑलिव, हेजल, बेज होने को चाहिए। होने को चाहिए। और उस पे लिखना टू माय स्वीट हार्ट फॉर एवर एंड एवर एंड एवर।
और याद रखना, इट्स फॉर समवन स्पेशल. क्या बे? क्यों एडवांस देना बंद कर दिया हम लोगों ने? कभी कभी कस्टमर को देखकर एडजस्ट करना पड़ता है. चल चल बहुत काम है. चल 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 डबल निकल. कल 8 बजे. ओके ओके बाय बाय. ज्यादा तो नहीं हो गया? देखा तो कल तक सोते ही रहेंगे. मैन पेशेंस माइकल, ये एक एक्सपर्ट का जॉब है. मेल्विन, यस 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 यस. Hey guys, come on fast! Happy Goa Liberation Day! Beautiful shop! Excellent! Excellent! Very good! और ये नाम काय को बदली किया? न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी नो? हाँ यस सर. आई नो इट. आई सर. एक्सेलेंट. वेरी गुड वेरी गुड. आपको देगा. मेरा दुकान से ले जाओ, सब रेडी. प्लीज मिस्टर मैस्करेनस. थैंक यू मिस्टर पास्कल. तुमने हमारा नौकरी बचाया. हम तुमको 20% एक्स्ट्रा देगा. ओके. अरे वो चूहा रनिंग ऑल ओवर द प्लेस. टू मच. बाय. उनको ये समझ में आता इतने चूहे अंदर कैसे घुस गए. कोई खिड़की खुली रह गई होगी. कौन सा खिड़की? मुझे नहीं मालूम. कल रात मेरे जाने के बाद दुकान में कोई आया था? नहीं. देख भाई, तू बहुत भोला है. मैं सब जानता हूं, ये उन माका पाओलो का नाटक है.
कुछ भी होता है तो ब्लेम ईगल गैंग पे डाल देता है। बाय चांस कोई चूहा नहीं घुस सकता दुकान में? अच्छा, और बाय चांस पास्कल के पास 1000 सैंडविच और 1000 पेस्ट्रीज वो इच दिन रेडी था? अब मिस्टर फ्रांसिस को ऑर्डर तैयार करूं या नहीं? तुझे 4 डजन ब्रेड लाने के लिए कहा था, किधर है? लाता हूं। चल रहे एक और ऑर्डर मैम। नहीं, पहला ऑर्डर का कितना? सिर्फ 200 रुपए। बाय द वे, केक बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। शर्ली, तुम कुछ भूल रही हो। शर्ली, करना साला, कितना आवाज करता है। जब इसको लेने को जाता है आवाज सुन के ये बाद में बुड्ढा पहले नीचे आता है। सॉरी बुड्ढा बोले तो उसके डैडी। इसका तो साइलेंसर फट गया, मैक से नया डालना पड़ेगा। तो मैं फ्रेंड से बोल रहा है क्या? डालना, अर्जेंट है। अबे लेकिन अपने पास खलास हो गया, ये तो उधर ही मिलेगा नरक में। नरक मतलब? अरे नरक मतलब उन लोग का एरिया में, उधर जाएगा कौन? अपन आज रात को ही। चलो ये मैक्सी, मैं अंदर नहीं आएगा, मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, तो ये बाइक के पास है। माइकल चल, अपन लोग देख के आते हैं। चल कुछ मिला? माइकल ये देख, ये फिट होएगा। तू देख बाइक पर लगा कर, मैं कुछ दूसरा ढूंढता है। देख तो पीटर, चूहा छोड़ता है? हरामी को मार मार के चूहा बनाते आज। मैक्स, हिम्मत है तो अकेला रहना। अपना पूरा गाउटी गैंग को लेकर आया और मेरे को बोलता है अकेला लड़। मालूम क्या, साला मेरा बाइक फोड़ डाला। ए माइकल, अभी इसका दुकान को कौन बचाएगा? इसका दुकान अपुन बचाएगा मैक्स। Huh?
ऑन पेप्सी। चल प्रकाश और मैक्स का राड़ा हो गया, चल चल जल्दी चल चल। मार डालेंगे वो दूसरे को। ये मर्दों का खेल है मुन्ना, चल कल्टी हो जाए इधर से। प्रकाश मुन्न तू ठीक तो है ना? She's okay यार। मेरे को तू ठीक है ना? क्या हुआ तेरे को? तेरे को फाइट के बीच में आने का क्या जरूरत था? मेरे को डर लग गया था मैक्सी। डर कैसा? कितना फाइट तो देखी है ना तू पहले? डर क्या? तेरे को कुछ हो जाता तो? क्या होएगा मेरे को? क्या हो सकता है मेरे को? कुछ नहीं। वो मर जाता तो? कौन वो बावर्ची? तो साला एक बिचौर कम हो जाता और क्या? Yes। लेकिन मैक्सी। मेरे को कुछ नहीं होएगा, लेकिन दो लोग का फ्यूनरल पक्का। एक वो साला प्रकाश ये, और उसका भाई राहुल। वो क्या साला? मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरा ख्याल रखने को। कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा ना वैक्सी। चलिए बोल, कौन कौन था? किसने तोड़ा अंकल जमेलों का दुकान? बोल। हम नहीं था उधर। मैं तुम लोगों का साला चांद तोड़ डालेगा। क्या? अपन तो पिक्चर देखने को गया था। और तू? मैं नहीं, मैं तो वो पिक्चर पहले से ही देखा है। बहुत उड़ता है साला ईगल बनके, ऐसा मारेगा कपड़ा निकाल के। मेरे को मारने के लिए आपको अपना कपड़ा निकालने का क्या जरूरत है? जिस दिन तेरे खिलाफ एक भी विटनेस मिल गया, उस दिन तू देख मैं तेरा चर्बी कैसे उतारता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं बोलता ना,
ये लो उधर मेरा दुकान। हे अंकल, तुम देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन तो जो देखा उसको बुला। हाँ बुलाएगा इंस्पेक्टर, वो राहुल को पूछो, वो देखा मेरा दुकान कौन तोड़ा। कौन तोड़ा तुम्हारा दुकान? एक कंप्लेंट मांगता है बस, इन सबको इनका नानी याद आ जाएगा। मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, ठीक है सूरदास। ये तुमको कौन किया? उसको तो देखा ना। बेनी, जोजो या मैक्स, तो तुम भी बिच्छू बन गया हा? अपना भाई का माफिक। और सुन, अभी डिमलो का नुकसान का एक एक पैसा तू भरेगा, पूरा 2 लाख रुपया, और वो भी 30 दिन का अंदर, समझा? फट्टू साला, चलो रे चलो। कितना प्यारा है ये प्यारा हुआ है पहली बार, होता है एक बार फिर न होगा ये दोबारा। काबिल हाय मेरा दिल चुरा के ले गया।
गया है बियारी? अरे चेहरे को क्या हुआ? मुलुक गया, दो महीने के बाद आएगा। ओहो ये बिहारी, लक्ष्मी जब सामने से टीका करने आती है तो ये मुंह धोने चला जाता है। एनी प्रॉब्लम छोड़ रहे? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मोमेंट सर। ओके। अरे यार काम बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल कंपनी है ये, और ये बिहारी। अच्छा उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर? चौधरी काम अपन कर दिया तो? अरे यार मैंने बोला ना काम बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? अच्छा 150 ऑफिसर्स की कॉलोनी के लिए कितनी जगह चाहिए? ये कोई 8-10 बिल्डिंग। फिर ये काम सिर्फ बिहारी कर सकता है, तुम लोग नहीं। पनखाली तो अपन ही कराता है ना। ठीक है, अगर बिहारी के आने से पहले काम हो जाता है तो कमीशन तुम लोग ले लेना, है कि नहीं? मैक्स मेरे को लगता है शर्ली का किसी के साथ अफेयर है। क्या बोला बे? पोरवरम फेयर में वो किसी लड़के के साथ ही। मैक्स माइकल, शर्ली इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सारे लड़के उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, है ना? मेरा मार खाने के लिए। बाय द वे कौन था वो? यही तो मैं कह रहा है मैक्स, मैं उसे देख नहीं पाया, वो बहुत दूर था। शर्ली उसे वेव आउट कर रही थी और वो स्माइल, ऐसा स्माइल मैं शर्ली का फेस पे कभी नहीं देखा। You know what I mean? शैली मेरे से कभी कुछ नहीं छुपाती, वो मेरे को जरूर बताएंगी और फिर मैं उस रोमियो को पकड़ के पीटूंगा। अफेयर। I'll see you later. Oh God, Max, अंधेरे में क्या कर रहे हो? क्या बात है, आजकल बहुत बिजी हो गई? हाँ वही, स्टडीज, कॉलेज, पढ़ाई, टेस्ट, सेम स्टफ। तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ओह कम ऑन मैक्सी, यू नो आई लव यू। अब क्या करो, इतनी स्टडीज है और ऊपर से ये प्रोजेक्ट भी। माइकल बोला कि पोरवरम बीच पे तेरे को कोई लड़का छेड़ रहा था। मुझे नहीं पता माइकल क्या कह रहा था, मैं नैंसी के साथ थी और फिर कितने लड़कों ने हमसे बात करने की भी कोशिश किया। कौन था वो शोली? कौन था? ओ हिम, वो मेरे कॉलेज में है, हमेशा इसी नोट के वास्ते तंग करता रहता है। मैं उसे मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि तेरे को कुछ तंग करे, यू नो दैट। उससे भी ज्यादा मेरे को एक बात और नहीं पसंद कि तू मुझसे कुछ छुपाए। उसे बोल देना कि आज के बाद अगर उसने तेरे को तंग किया हिस्ट्री के लिए या किसी और चीज के लिए भी, तो मैं उसका ज्योग्राफी बिगाड़ देंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? ओके मैक्स, ओके। लेकिन इसमें हैरान होने की क्या बात है शर्ली, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। मैं मैक्स से बात करूंगा। नहीं, तुम ऐसा किया तो मैं ही तुमसे मिलना छोड़ दूंगी। तुम मैक्स को नहीं जानता राहुल। तो क्या करें, मिलना ही छोड़ दे क्या? सिर्फ 9 हफ्ते के लिए राहुल। अगर हर बुधवार को चर्च की नौवीं में सच्चे दिल से कोई प्रेयर करेगा ना तो घर से जो मांगो वो मिलता है। हाँ। तुम ये सब मानती हो? हाँ, मैं गॉड को मानती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ सच्चाई को मानता हूँ, और सच्चाई यह है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक हम कभी नहीं मिल सकते। गॉड भी कुछ नहीं कर पाएगा। प्लीज राहुल, तीन नोविना हो भी क्या है मेरे लिए, सिर्फ 6 हफ्ता और रुक जाओ प्लीज। प्लीज राहुल। ठीक है। पागल पल पल रोता है, बिन तेरे ना जागे ना सोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले, हारे हारे हारे, हम तो दिल से
अरे अरे ऊपर क्या कर रहा है? कब से तुझे ढूंढ रहा हूं यार। अभी भी नाराज है क्या? सॉरी भाई, हो गया लफड़ा, जाने देना। वो मैक्स का तो अपन टांग तोड़ के उसके हाथ में देने वाला है। साला अपन फिर वही अटक गया। तू फिकर मत कर, अपन डिमोला का पैसा लौटा देगा। उसका पैसा मैं खुद ही लौटा दूंगा। ओके, सुन तो सही ना भाई, एक चप्पर डील आया है। एक पार्टी को 10-12 बिल्डिंग चाहिए, बिहारी भी नहीं है। अगर अपन लोग ने किया ना तो 20 लाख अपना, क्या बोलता है? हाँ तो जा, हाथ पैर तोड़, खाली करा घर। वैसे 10-12 बिल्डिंग खाली कराने में तुझे कितने हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे? साला हाथ पैर तो तोड़ना ही पड़ेगा, वरना बिल्डिंग कैसे खाली होएगा? वास्को शहर में इतना खाली जमीन है कहां? Yes. Hey Rahul! Rahul! Hey Rahul! Hey Rahul, रुक। खाली प्लॉट मिल गया तो? इतना बड़ा खाली प्लॉट किधर है वास्को में? जिस पे अपन लोग खड़े ले हैं। ये मैदान? ये मैदान तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गांव वालों की है। सब बोलते हैं जगह वास्को की है, और वास्को तो मर गया। तो अभी किसकी है? मिला? नहीं सर। जब था नहीं तो मिलेगा कहां से? यस यू राइट सर। इतना टाइम खराब किया मेरा, पूरे 2 दिन। साहब अपना फाइल का क्या हुआ? हाँ वो था कि 2 ही कबाड़ बचा था, और देखता तो मिल जाता। मुझे मिल गया यार। ये मैदान पहले अल्बर्टो वास्को की प्रॉपर्टी थी, फिर किसी मेरी एन लुइस ने खरीद ली। रोज विला 13 चर्चिल रोड। ये तो सालों से बंद है। Excuse me. ये मेरी एन लुइस का घर है ना? ना लेडी डिकोस्टा। लेडी डिकोस्टा? नहीं नहीं नहीं, मेरी एन लुइस। मेरी तो उसका किराएदार था, वो मर गया कब का? मर गया? ये मिसेस डिकोस्टा कहाँ पे रहती हैं? वो चला गया सागांव, 15 साल हो गया, 15 years। सागांव चले? किस लिए? जिसकी जमीन थी वो तो मर गई ना, अब खाली फोकट डिकोस्टा के पीछे काहे को भागने का? चल। नहीं प्रकाश, जाना चाहिए। पागल है क्या? किसको क्या पता चलने वाला यार, अपन ऐसा ही बेच डालते। तो फिर बिहारी ने कितना बार नकली कागज बना बना के बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी निपटा डाला है? मेरी बात सुन, मैं बिहारी के वहां से नकली सेल डीड लेके आता हूँ, तू वैसा ही बना डाल, फिर क्या 20 लाख अपने, समझा क्या? डिकोस्टा? Who are you and what do you want? मैं राहुल हूँ। आप मेरी एंड लुइस को जानती हैं? वो तो कब का मर गया, अभी काय को आता है? उनकी फैमिली का कोई और रिश्तेदार होएगा? किधर से आए तुम? वास्को से। वास्को? अल्बर्टो वास्को? That bloody rascal! अब उसको मेरी से क्या चाहिए? मेरी तो मर गया है, अभी और क्या मांगता है उसको?
You just get out. You get out from here. देखिए मिसेस डिकोस्टा, अल्बर्टो वास्को से उसने जमीन ली थी. You get out, I said, otherwise I'll smash your face. You मिसेस डिकोस्टा, मेरी बात सुनिए प्लीज. मिसेस डिकोस्टा, प्लीज. अभी पुलिस को फोन करके तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा. Get out. Please calm down. Get out. जब हम वास्को गांव में था, मेरी हमारा किरायेदार था, उसका कोई नहीं था. मालूम हमारा कितना भाड़ा चढ़ा हुआ था उसमें, पर मेरी हमारे पास ही रहता था. एक रात को मेरी घर वापस आया एकदम भीगा हुआ. मेरी डियर, तुम तो पूरा भीग गया है. कम ऑन मेरी, हमारे साथ खाना खा लो ना. मैरी, गरम गरम सूप है, जल्दी से पी लेना. मैरी प्रेग्नेंट था. वो जब ये बात अल्बर्टो वास्को को बोलने गया तो वो बोला उसकी शादी पोर्चुगीज लड़की से होने को है. मैरी एकदम टूट गया. वास्को उसको बोलता है, हम तुमको घर देगा, हम तुमको पैसा देगा, तुमको जो मांगता हम देगा. पर मैरी को ये सब चीजें नहीं मांगता था. उसका सोल तो ऑलरेडी मर गया था. फादर जेकब उसको बहुत समझाया, एक बार फिर से जीने का हिम्मत दिया. उसको नंदगांव लेके गया डिलीवरी का वास्ते. इधर का लोगों को बोला कि उसकी शादी उधर ही हो गया. कुछ साल बाद मेरी वास्को वापस आ गया अपने बच्चों को लेकर. बच्चों को लेकर क्या मतलब? मेरी को ट्विंस हुए थे ना, ट्विंस, एक लड़का एक लड़की. अब वो किधर है? वास्को में. मैक्स और शर्ली. इंग्लिश का पेरू रूपा दे रही है का पेरू. इंग्लिश का पेरू रूपा दे रही है का पेरू. व्हाट? हे सांबा हो सांबा, हे सांबा हो सांबा, हे सांबा हो सांबा. तू सही प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तो हम तेरे साथ डांस नहीं करेगा कार्निवल में. देखो मैक्सी, काय को ठीक नहीं है क्या? हे सांबा हो सांबा. ओके, तू इधर काय को आया? मैं पूरा ना मैक्स को पता लग गया है. मुझे मैक्स से ही बात करनी है. God, you're mad, Rahul. Just go. Shirley, Shirley, listen to me. Shirley, please. Shirley. कौन है Shirley? क्या हुआ? दरवाजा खोलना. खोलना. क्या मांगता है तेरे को? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात. मेरे से जरूरी बात करने का है. शर्ली, माइकल का घर अच्छा आइन सांगला. माइकल अच्छा का राजा क्वास को. एंड शर्ली, दरवाजा बंद कर दे. बोल, क्या बोलने का है तेरे को? देख मैक्स, प्रकाश और तेरे प्रॉब्लम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. कुत्रिया, तू ये बोलने को आया मेरे को? नहीं, एक खास बात है जिसमें
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे को तेरा कोई मदद का जरूरत नहीं है। उप्स, सॉरी, मिस्टेक। ठीक है, मुझे भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं शर्ली से प्यार करता हूं। साला, शर्ली से प्यार? तू ऐसे नहीं समझेगा जगड़ी कुत्ते। तू उस लायक नहीं कि तुझसे कोई ढंग से बात करे। अब मैं नहीं बताऊंगा तो खुद मालूम कर। मिसेस डिकोस्टा याद है, रोज़ेला में रहती थी। हाँ, मिसेस डिकोस्टा अब असागांव में रहती है। जा उनसे पूछ कि अल्बर्ट ओवास को कौन था। जा, हिम्मत है तो पूछ, पूछ कि अल्बर्ट ओवास को कौन था। Who are you? What do you want? आंटी लूसी, मैं मैक्सी, मैक्स डायस, मेरी एन और फिलिप का लड़का। जिंदा है हम तो तेरे ही लव से, नहीं तो मर जाता डार्लिंग हम कब से। दिल न तोड़ो, मुंह न मोड़ो, ओ मारिया, ओ मारिया। जिंदा है हम तो तेरे ही लव से, नहीं तो मर जाता डार्लिंग हम कब से। दिल न तोड़ो, मुंह न मोड़ो, ओ मारिया। जिंदा है हम तो तेरे ही लब से, नहीं तो मर जाता डार्लिंग हम कब से। दिल न तोड़ो, मुंह न मोड़ो, ओ मारिया, ओ मारिया। कितना कैसे कहे मारिया। अरे बा, असाबा,
ओ मारिया ओ मारिया। शर्ली, इस चिट्ठी में मैं तुम्हें वो सब बातें बताना चाहता हूं जो मैं मैक्स को नहीं बता पाया। ये ब्लडी छोटा बात किसी को नहीं है? क्या बोला तू शर्ली को? बोल क्या बताया तू शर्ली को? बोल कुछ भी नहीं। तो क्या समझता है साला? तेरे को मालूम करके डर जाएगा मैं, शर्ली मिल जाएगा तेरे को। ये साला वो इगल लोग का ही काम है। अब तो फोड़ डालेगा उन हरामी लोग को। आज रात को ही ना? नहीं रे, डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ। ए गोटिया, माँ को बोलना राहुल मेरे साथ है, कल सुबह आएगा। कुछ सोच के बोलना। अब तुम लोग भी फुटो यहां से। उस दिन मैं मैक्स को शर्मिंदा करने नहीं आया था, बल्कि ये बात बताने आया था कि तुम्हारे असली फादर अल्बर्टो वास्को ने मैदान वाली जमीन तुम्हारी माँ के नाम कर दी थी। ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। अगर मैक्स को समझा सको तो मैं कानूनन जमीन को तुम्हारी बनाने में मदद कर सकता हूँ, अगर नहीं तो भी ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, प्रकाश को भी नहीं। सिर्फ एक बात याद रखना, आई विल ऑलवेज लव यू राहुल। साला तूने तो अपन को टेंशन में डाल दिया था। हाँ। अभी ठीक है? हाँ। कौन किया ये? ठीक है मत बोल, वैसे भी कल सभी गल्लों को फोड़ डालने का प्रोग्राम है। सिर्फ मैक्स था यार। तो चक्कर क्या? उसे शर्ली और मेरे बारे में पता चल गया है। और तूने मुझसे छुपाया? मैं बताने वाला था। अच्छा, पर बताया नहीं। और कुछ? नहीं, बस इतना ही। हाँ। अच्छा तू आराम कर, आज तू यहीं रुक जा, वरना माँ बेकार में परेशान होगी। ए प्रकाश, तुझे शर्ली कैसी लगती है? आइटम अच्छी है, ऐश करना फिर छोड़ देना। किधर जा रहा है? घर। ए, माँ को कुछ मत बोलना। साला अपना ही सिक्का खोटा निकला रे। मेरा सगा भाई। क्या बात कर रहा है यार, मतलब वो अखा जमीन, वो सारा का सारा मैदान उस हरामखोर मैक्स का है? साला ये बात तो उस हरामी को मालूम तक नहीं। मेरा सगा भाई उसको बताने को गया था, मुझे नहीं। जबकि मैदान बेचने का पूरा आइडिया मैंने उसको दिया था। साला गद्दार। ए प्रकाश सुन, देखिए सारा जमीन तो सिर्फ मैक्स और शर्ली का है ना, और शर्ली राहुल का है। अभी अगर मैक्स को कुछ हो गया तो जमीन अपना है। पर कैसे? खुदकुशी।
उसी का गन, उसी का खोपड़ी, खलास। मैक्सी, कितने साल है मैक्सी? क्या किया तुमने उसको? You hurt him. तुमने उसको मारा? क्या बोला वो हरामी तेरे को? काय के बारे में? तेरा बारे में, मेरा बारे, साला किसी के बारे में भी क्या बोला हुआ तेरे को? वो बोला वो मेरे से बहुत प्यार करता है। और क्या? मेरे से शादी करेगा? हाँ, सच्ची। मैक्सी, मेरा बात सुन मैक्सी, वो मुझे तंग नहीं करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है वो, और मैं भी उसे प्यार करती है। वो बहुत अच्छा लड़का है मैक्सी, मेरे को भी उससे शादी करने का है। तेरे को क्या लगता है मैक्सी? मेरे को लगता है मैं उसको मार डालूंगा। माँ और मौसी मंदिर गए, आज एकादशी है ना, चाय पिएगा? मैं बनाता हूँ। मैंने बना लिया। क्या? क्यों, मैं नहीं बना सकता? कल रात मैंने बहुत सोचा, मेरे बारे में, तेरे बारे में। अगर मेरी शांत पट्टी से तेरी जान चली जाती तो? छोड़ यार, भूल जा सब। कैसे भूलूं? वो साला मैक्स का दुश्मनी मेरे से है, उसका सजा तेरे को और शैली को, काई को भाई। और अपन को साला क्या मिला इस डेढ़ छान पट्टी के धंधे से? 15-20 टपोरी लोग का सलाम और बिच्छू गैंग के बॉस और लीडर होने का लेबल? बहुत हो गया भाई, अभी अपन को तेरे माफिक बनने के, कसम से। आज तुझे क्या हो गया अचानक? अचानक नहीं रे, तूने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मां कसम, अपन को बहुत खुन्नस है उस मैक्स पे, पर उससे 50 गुना जास्ती प्यार है तेरे से। तू बोले तो अपना छोटू मास्टर। तू चिंता मत करना राहुल, अपन हाथ पैर जोड़ के मैक्स से मांडवाली कर लेगा। लेकिन मैक्स? मैक्स क्या करेगा मैक्स? 10-12 गाली देगा, 2-3 चाटे मारेगा, अपन खाएगा तेरे लिए। लेकिन अपन तेरे को शैली को जरूर मिला के रहेगा। प्रकाश, कल तक तो मैं सोचता था कि तू हम सबसे दूर चला गया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तू वही है, वही मेरा बड़ू मास्टर। मैक्सी,
मैक्सी नाश्ता तैयार है सा नका हाय राहुल तुम यहाँ क्या कर रहा है मैं तुम्हें यहाँ कल भी मिलने आया था लेकिन एनीवे मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ प्रकाश को हमारे बारे में पता चल गया है वो मान गया है वो मैक से हमारे बारे में बात करने गया है अकेला क्या करता है मैक्सी तुम मेरे से नाराज है मैक्सी नहीं फिर तुम मेरे से मिलता क्यों नहीं ऐसे अब तुम मेरे से प्यार नहीं करता ना कल रात में उसका गन छुपा दिया उसे कहीं फेंकना पड़ेगा ओ गॉड मैक्स को गन मिल गया चार घंटा लगा साला मैं बोल रहा हूं यहां से चारों जैन तो उसको बातों में उलझा अपन पीछे से टिपका देता है हाँ मैक्स माइकल मैक्स किधर है क्यों क्या हुआ क्या टेंशन है क्या तेरे को मालूम है किधर होएगा वो ओल्ड चर्च ग्रेवयार्ड जाता है आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करता है मैक्स क्या है तू इधर काय को आया अपुन को तेरे साथ बात करने का था हे दूर से बात कर दूर से अपुन सोचा छोड़ देते ये सब लफड़ा दंगा क्या रखा है इसमें काय को डर गया क्या नहीं रे अपुन को तेरे साथ दोस्ती बनाने का ऐसी की तैसी तेरी दोस्ती तेरे साथ हट साला कुत्रिया काली मत दे मैक्स अभी तो अपन रिश्तेदार बनने वाले हैं hey, मैक्स सुनना अपन का भाई तेरी बहन से शादी करना चाहता है डुकरिया मार डालेगा फिर ऐसा बोला तो वो इसके बिना मर जाएगा उसको तो वैसे ही मारने वाला है पर तेरी बहन भी तो उसे प्यार करती है उसे भी मार डालेगा क्या अरे काट डालने का बात तो अपुन भी करता है बहुत आसान है साला जान देना मुश्किल है मैक्स अपुन अपुन उन दोनों के लिए मरने को तैयार है तेरे में हिम्मत है यास्ती जवान चलाता है क्या बोला तू क्या बोला अपुन बोला वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं Thank you.
वो प्रकाश मेरे को छुरी लेकर मारने को आया, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए गोली चलाया। ना प्रकाश का बॉडी से, ना ही मर्डर का जगह से छुरी तो क्या एक ब्लेड तक नहीं मिला। नहीं, मैं सच बोलता इंस्पेक्टर, मेरे को बिलीव करो। बहुत देर हो गया है मैक्सी, अभी तेरे को कोई नहीं बचा सकता। इससे बहुत ज्यादा दर्द सहन कर सकता है मैं, पर तू ऐसा रोएगा तो सहन नहीं कर पाएगा। मैक्सी, बहुत जल्दी आ गया फादर, अभी पासी को टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते मैक्स, गॉड पे फेथ रखो, वो अब भी तुम्हारे साथ है। मैं यही तुमको बोलने को आया। मैं बहुत लोगों को दुख पहुंचाया फादर, मैं बहुत लोगों को दुख पहुंचाया। मैं किसी को जान से नहीं मारना चाहता था,
सच बोलता है फादर, मैं किसी को जान से नहीं मारना चाहता। नो नो मिस्टर राहुल, आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई नेल हिम। पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट, सारे सबूत, गवाह सब उसके खिलाफ जाते हैं। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, मैं 5 मिनट में आता हूँ। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। वो गलती किया, उसको सजा मिलना चाहिए, पर उसका हेल्प करो प्लीज। कल कोर्ट में बोला कि वो एक्सीडेंट था, मैक्स जानबूझ के गन नहीं चलाया। तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं? शर्ली, यारे तुमने मुझे कहा था कि तुम गॉड में विश्वास करती हो, और मैंने कहा था कि मैं सिर्फ सच्चाई में। मैं तुम्हें अपने विश्वास को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, तो तुम मुझे सच को छोड़ने के लिए क्यों कह रही हो? और सच ये है कि मैक्स ने मेरे भाई का खून किया है, और इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। को मार डाला। क्या? योर ऑनर, प्रकाश को लगी गोली इसी बंदूक से चली थी। इस बंदूक पर पाए गए उंगलियों के निशान मैक्स के हैं। इन सब रिपोर्टों से साफ जाहिर है कि यह खून मैक्स ने किया है। अब मैं आपके सामने एक आखिरी गवाह बुलाना चाहूंगा, जिसने मैक्स को इस बंदूक के साथ खून होने के चंद मिनट बाद ही देखा था, मरहूम प्रकाश का भाई राहुल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जब तुम और शर्ली पुराने चर्च के ग्रेवयार्ड पहुंचे, तो मैक्स वहां से भाग रहा था। हाँ। और मैक्स के हाथों में यह बंदूक थी। हाँ। और मैक्स ने बिना लाइसेंस की इस बंदूक से प्रकाश का खून किया। प्रकाश पर गोली चलाई। अरे खून किया या गोली चलाई, एक ही बात है। एक बात नहीं है, क्योंकि उस दिन जब मैक्स ग्रेवयार्ड पर पहुंचा तो उसके पास उसकी गन नहीं थी। मुझे लगा प्रकाश मैक्स से शर्ली और मेरी बात करने के लिए गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही था।
वो वहां मैक्स को उसी की गन से मारने के लिए गया था। कोटिया ने एक रात पहले मैक्स की गन चुरा ली थी, पर वहां अचानक गन मैक्स के हाथ में आ गई और फिर प्रकाश ने मैक्स को छुरी से मारने की कोशिश की। छुरी? लेकिन वहां तो कोई छुरी नहीं मिली। छुरी है। गोटिया से लेकर भाग निकला था। कल रात गोटिया की मौत हो गई। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने मुझे यह सच्चाई बताई ऑनर। लेकिन मिस्टर राहुल, प्रकाश मैक्स को मारना क्यों चाहता था? आपकी बातों से ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती जिससे यह साबित हो सके। वजह थी ऑनर। प्रकाश वास्को शहर का मैदान हासिल करना चाहता था, जो इन कागजात के मुताबिक मैक्स और शैली की जायदाद है। 25,000 स्क्वायर यार्ड की जमीन, इसके असली हकदार मैक्स और शैली इसलिए हैं क्योंकि अल्बर्ट वास्को ने जमीन उनके मां के नाम कर दी थी। अल्बर्ट वास्को मैक्स और शैली के असली पिता, जिन्होंने उन्हें जिंदगी तो दी लेकिन अपना नाम नहीं। योना, मैक्स ने मेरे भाई की जान जरूर ली है लेकिन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। यही सच है। मैक्स बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए ओना, उसे छोड़ दीजिए। राहुल शर्मा के बयान से यह साफ पता चलता है कि मैक्स डायस ने प्रकाश पर गोली कत्ल के इरादे से नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए चलाई थी। ऐसे हालात में अदालत मैक्स को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत रिहा करती है। हमेशा मारपीट किया, झगड़ा किया, नफरत किया, किसी का नहीं सुना। तेरे को भी बहुत हेट किया राहुल। तू मेरा मदद करना चाहता था पर मैं तेरे को भी गलत समझा। मेरी वजह से तेरे भाई का जान चला गया, फिर भी तू मेरा जान बचाया। मेरे को माफ कर दे राहुल। तुम्हें एहसास हुआ यही बहुत है। मेरा और शर्ली का इस दुनिया में कोई नहीं। आप लोग हमें छोड़ के मत जाओ।